बिलासपुर में पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जुलाई को बिलासपुर में स्थित शहीद स्मारक में कारगिल युद्ध विजय दिवस मनाया जाएगा। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित करेंगे। बिलासपुर में पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जुलाई को बिलासपुर में स्थित शहीद स्मारक में कारगिल युद्ध विजय दिवस मनाया जाएगा। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस समारोह की तैयारियां शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस समारोह में सशस्त्र भारतीय सेना की टुकड़ी भी शहीदों को सलामी देकर नमन करेगी। इस समारोह में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले वीर जवानों व उनके परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। पूर्व सैन्य कल्याण समिति 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से बिलासपुर युद्ध स्मारक पर मनाएगी। कारगिल ऑपरेशन को फतेह करने के लिए बिलासपुर के वीरों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और 7 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उस दिन माननीय गोविंद ठाकुर जी द्वारा कारगिल में शहीद हुए जवानों की वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा और कारगिल में कारगिल हीरो जो रहे हैं उनको जो है वो पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने पत्र द्वारा निमंत्रण दे दिया है, वो भी शिरकत करेंगे। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जो कि 18 ग्रेनेडियर से रिश्ता रखते हैं, जिन्होंने कारगिल ऑपरेशन के दौरान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है ताकि वो बिलासपुर में शिरकत करें और इस राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह में अपनी भूमिका निभाएं।